हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो आज हम न्यू चैनल की स्टार्टिंग कर रहे हैं। वैसे तो मेरा यूट्यूब पे व्लॉग्स चैनल है, हिमालयन ब्यूटी व्लॉग्स, बट हम गार्डनिंग करते हैं और कुकिंग करते हैं अच्छी वाली, तो हमने सोचा एक अच्छा खासा चैनल खोलते हैं। तो मैंने अपना चैनल इस नाम से खोला है, ऑर्गेनिक फूड ग्रो एंड कुक। तो गाइस, हमारे गार्डन में लगी हैं ग्रीन चिलीज, और ये वो चिलीज हैं जिससे मतलब पकौड़े बनते हैं। तो हमने ये थोड़ी सी चिलीज तोड़ी हैं, तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसके पकौड़े कैसे बनते हैं। सिंपल से बनाएंगे, ज़्यादा स्टफिंग वाले नहीं बनाएंगे, ताकि जैसे आप दाल चावल कुछ भी बनाएं, चपाती, खाली चपाती है तो आप उसके साथ भी खा सकते हैं। तो गाइस देखिए कितनी प्यारी चिलीज लगी हैं। मेरे को तोड़ने से पहले आपको दिखानी चाहिए थी, ये तो रेड हो गई है, ये ग्रीन है। गाइस इतनी प्यारी चिलीज थी ना, ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी है, ये देखिए, और इतनी सुंदर है। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं इनके पकौड़े और आपको दिखाते हैं गाइस। तो चलिए, फ्लावर्स भी लगाए थे और देखिए इनका कितना अच्छा रिजल्ट आ चुका है। और ये देखिए, आई थिंक 5 टाइप्स के फ्लावर्स लगे हैं। और ये देखिए, ये देखिए गाइस, इतने प्यारे फ्लावर्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हैं। और ये देखिए, ये येलो कलर का है, और ये देखिए ये येलो येलो मतलब डार्क येलो है, और ये लाइट येलो कलर का भी है, ये देखिए। तो मेरे को गार्डनिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, तो मैं अकेली गार्डनिंग करती थी, तो मैंने सोचा कि अकेले गार्डनिंग करने में इतना मज़ा नहीं है, अपनी फैमिली के साथ करते हैं। तो चलिए गाइस, पहले बनाते हैं पकौड़े। और आई होप आपको मेरा ये चैनल पसंद आए, तो प्लीज़ गाइस इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्लावर्स दिखाती रहूँगी। सबसे पहले हमें लेना है एक कढ़ाई, और इसमें डालना है ऑयल गरम करने के लिए, और फिर हम लेंगे एक पैन। और पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन, और बढ़िया ब्रांड का बेसन लेंगे, और इसको हम डालेंगे एक बाउल में। एक बाउल में डाल देंगे हम बेसन। गाइज नई नई स्टार्टिंग की है कुकिंग का, तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज करना, धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा। जब मैंने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था ना, तो मेरे को उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, बट आई होप कि आप लाइक करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और अब लेते हैं हम अपनी गार्डन की चिलीज। ये देखिए गाइज, इतनी जब ये लगी थी ना, मैं इतनी खुश हुई थी ना, बिल्कुल मार्केट जैसी है, जैसे मार्केट से लाते हैं ना वैसी चिलीज है। और ये देखिए कितनी अच्छी है। अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे, और इसको पहले कर लेते हैं वॉश। इसको अच्छी तरह से वॉश करके आप क्या कीजिए, कट लगा लीजिए, और इसको ऐसे कट लगाना है आपने सेंटर में से। ये देखिए, ये जैसे ये चिल्ली है ना, इसको ऐसे बीच में से ऐसे कट लगा लें, ताकि जो आपका वो बैटर है, बैटर मींस कि जो मसाला है बेसन का, वो अच्छी तरह से अंदर स्टफ हो जाए। और बड़ा अच्छा, इतना अच्छा टेस्ट आता है ना गाइज, मेरे को तो बड़ी टेस्टी लगती है, और आपको भी अच्छी लगेगी। गाइज हम ये बैटर का मसाला तैयार कर रहे हैं, इसमें हमने डाला है बेसन, नमक, हल्दी और जीरा, और ये थोड़ा सा आमचूर, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट आ जाएगा, अच्छा लगेगा, और ना रेड चिली पाउडर, तो इससे थोड़ी क्रिस्पीनेस आ जाएगी। और इसको हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और पानी ऐड करके इसका एक बैटर बनाते हैं, और मिर्ची डिप करके तेल में डालते हैं। तो देखिए देखिए गाइस, इसमें पानी डाल के इसको अच्छी तरह से आप पहले ऐसे कर लें कि इसमें जो छोटे छोटे वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ यार कुकिंग चैनल है, समझो यार अपने आप ही यार, छोटे छोटे से वो दाने से रह जाते हैं ना, वो नहीं रहने चाहिए, लम्स यार लम्स, वो नहीं रहने चाहिए। और इसको आप ऐसे अच्छी तरह से थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बैटर बनाना, ताकि वो मिर्ची पे अच्छी तरह से चिपक सके। और ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, तो
ये देखिए थोड़ा ऐसे पानी डाल के इसको अच्छी तरह से आप हाथ से ही करना, ये ज़्यादा स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है कि वो ले लें आप चम्मच ये वो, जितना मज़ा हाथ से आएगा ना इसको अच्छी तरह से बीट करने का। हमने तो अपनी मम्मी को ऐसे देखा है भाई, जैसे हमने अपनी मम्मी को देखा है वैसे हम बना रहे हैं, वैसे हम आपको सिखा रहे हैं। और इसको अच्छे तरह से ऐसे बीट करके मिक्स कर लें। और अब आप क्या करें, जो गिली गिली मिर्ची हैं, जैसे भी मिर्ची हैं आप उसने उसको आपने इसमें डिप कर देना। इसको मिर्ची को ऐसे पकड़े और ये ऐसे थोड़ा सा जहाँ से कट लगा है वहाँ पे खोल के और मिर्ची को अच्छी तरह से घुमा दें। यार मेरी गैस थोड़ी सी गंदी है, अभी मेरे से ऑयल गिर गया, तो प्लीज़ मेरे को कोई कमेंट में बुरा सीधा मत बोलना। मेरा फर्स्ट व्लॉग है इस पर कुकिंग पे और मैं आपको ऑर्गेनिक फूड ही बता रही हूँ। और इसको ये देखो, आ हा 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 गाइस, यम्मी टेस्ट, अभी बनी भी नहीं है, टेस्ट आ रहा है। तो देखिए गैस को कर लेते हैं थोड़ा सा तेज और मिर्ची को कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छी तरह से फिल, और हम इसको गर्मा गर्म ऐसे ऐसे रोल करके डालेंगे अभी कढ़ाई में। ये गई हमारी मिर्ची, यस। देखिए गाइस अभी ऐसे ही बाकी सारी मिर्चियों को आप लें और बेसन में डालते रहें। ऐसे हमने 4-5 पीस लिए हैं, यार एक मिर्ची खाने से पेट भर जाता है। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारा जो मटेरियल है, मिर्ची नमक मसाला जो भी है, इसमें अच्छी तरह से वो फिल हो जाए। और आज तो हमने आपको अपनी ऑर्गेनिक मिर्ची के पकौड़े दिखाए हैं। तो गाइस मेरे दिमाग में पहले नहीं आया, पहले मेरे हाँ अभी भी कद्दू लगा है, कद्दू की रेसिपी भी दिखाऊंगी आपको, मीठे वाली हलवा और ऐसे। और ये देखिए मिर्ची कैसे करारी करारी हो रही है। तो चलिए गाइस अभी गाइस देखिए हमारे पकौड़े कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं वन साइड से। तो अभी हम इनको स्टर करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए गाइस, ओ हा हा हा, क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे पकौड़े। और ये देखिए इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है, अच्छी तरह से कि ये एकदम से क्रिस्पी हो जाए। और आपको तो देख के भी अच्छे लग रहे होने, तो जिस जिसने खाने हैं तो प्लीज़ अपनी प्लेट लेके आइए और मेरे पकौड़े खाइए। गाइस अगर आपके पास कोई सब्जी नहीं भी है तो आप ऐसे बना के चपाती के साथ और चटनी के साथ खा सकते हैं। तो किसी दिन हम आपको चटनी भी बनाना सिखाएंगे। तो ये देखिए गाइस ऐसे, ये तो अभी इतनी तीखी मिर्ची नहीं होती है, तो इससे आप छोटी मिर्ची भी ऐसे बैटर बना के बना सकते हैं। वैसे तो मैं इसको पनीर स्टफ के साथ बनाती हूँ कि स्टफिंग दे देनी है, मतलब पनीर को मैश करके उसमें मसाले धनिया वगैरह सब कुछ डाल के मिर्ची के अंदर स्टफ कर देना है। और इसी तरह आपने बैटर के साथ इसको कोटेड करके और फ्राई कर देना, और इतना टेस्टी बनता है ना गाइस। ये देखिए वाओ। तो अभी इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, तो तब तक चलते हैं हम अपने गार्डन में और आपको और भी दिखाते हैं कुछ कि हमने क्या क्या लगाया है। तो चलिए गाइस मेरे साथ मेरे गार्डन। ये हमने चिलीज लगाई थी, ये तो अभी हो गई है, थोड़ा इसकी कटिंग करेंगे फिर दोबारा से हो जाएगी। और ये बैंगन है, बैंगन हम साल भर खाते हैं, ये साल भर, ये देखिए यहाँ पे फिर फ्लावरिंग हो रही है बैंगन की और फ्रूटिंग हो रही है। और ये देखिए मिर्ची, और चलिए आगे दिखाते हैं आपको आगे क्या लगाया हमने। और ये हमने अपने गार्डन में लगाया है मैंगो, और ये लगी है रास्पबेरी। तो रास्पबेरी तो अभी पकी नहीं है, ये देखिए गाइस जो आप मार्केट से लेते हैं ये हमने घर में लगाई है और ये अभी थोड़ी कच्ची है। और ये है हमारा बनाना, और यहाँ पे भी अंकल ने बोला था कि हाफ एन आवर में वन और या टू आवर में ये फ्रूट दे देगा। और यहाँ पे हमने लगाई है गाइस रेडिश,
ये है रेडिश, और ये है हमारी गोभी, और वो है पालक, और ये देखिए रेडिश। बहुत मज़ा आता है यार गार्डनिंग करने में, आप भी किया करो। तो ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन है पर ज़मीन नहीं है तो आप ऐसे पॉट ले सकते हैं, ऐसे क्रेट ले सकते हैं, उसमें आप लगाओ। हमने इसमें लगाई है गोभी और मूली, और ये अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, और ग्रो बैग्स आते हैं मार्केट में तो आप उसमें लगा सकते हैं। और अभी ये देखिए, हमने इस साल रेनी सीज़न में ये मैंगो लगाया था तो हमारा ये ग्रो कर रहा है, और इस पे फ्रूट भी आ जाएंगे आपकी दुआ से। और ये देखिए फ्लावर्स गाइस, और चलिए देखते हैं अपने पकौड़ों का क्या हाल है, और उसको प्लेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस, हमारे पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं, तो अभी हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। और ये देखिए गाइस, कितने क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बने देखिए। और इसको हम निकालते हैं प्लेट में, और ये देखिए, और मैं श्योरिटी से आपको ये बोलूँगी कि ये एक पकौड़ा एक बंदा खाएगा और उसका पेट भर जाएगा यार। देखिए 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 देखिए, ये तो मेरा पेट डायलॉग है। देखिए देखिए देखिए, अब तो देखिए, अब इस पे आप चाट मसाला डालिए और चटनी के साथ इंजॉय कीजिए। और बाय चांस गाइस, अगर कोई मिर्ची है जिस पे कोटिंग नहीं हुई है, आप उसको बैटर में दोबारा से डिप करके अच्छी तरह से ऐसे करके, तो आप उसको दोबारा से फ्राई कीजिए ऐसे। तो देखिए, आई होप कि आपको मेरे ये मिर्ची के पकौड़े पसंद आए हों। तो गाइस, इनके लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरा कुकिंग चैनल पे ये फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरे पकौड़ों के लिए प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मैं आपको ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ दिखाती रहूँगी। और गाइस, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेजिटेबल्स और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा मेरा चिली पकौड़ा। तो प्लीज़ गाइस, अब चैनल स्टार्ट किया है तो आप मेरे को प्रमोट करना, और मिठू मिठू बाय करो, बाय करो, और बोलो मेरे मम्मा को सब्सक्राइब करो, बोलो यस। और मिठू भी बोल रहा है गाइस, तो प्लीज़ प्लीज़ ओके बाय। Thank you for watching.